माताएं बहनें, उपस्थित नौजवान साथियों, हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आज टिहरी लोकसभा क्षेत्र की इस विधानसभा में इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं, आप सबके पधारने के लिए और आपने जिस प्रकार से पूरे रास्ते भर मेरा और हम सबका बड़ा स्वागत किया, अभिनंदन किया, अपना आशीर्वाद दिया, मैं भी आज आप सबको दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये जो क्षेत्र है टिहरी का, ये लोकसभा क्षेत्र, इस क्षेत्र को माँ गंगा का, माँ यमुना का, साथ ही एक से एक हमारे जो धाम है उन धामों का भी और देव स्थानों का भी आशीर्वाद प्राप्त है। और मैं इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले सभी धामों को, सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, आज आप सबके बीच में पिछले चुनाव के दौरान यहां आना हुआ था और आज एक सा संयोग है, पिछली बार मैं यहां बिल्कुल प्रातः काल आया था और यहां से देहरादून गया और देहरादून से जाने के बाद मैं थराली गया, लेकिन आज मैं उधर से कहीं से आया और थराली गया, थराली से आप सबके बीच में आकर फिर देहरादून जाऊंगा। तो बहुत ही मैं कहूं कि हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का स्थान है पुरोला, और आप सबका मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस क्षेत्र से पिछली बार कई सारे मिथक भी तोड़े। पहले कहते थे कि जो है पुरोला से जो विधायक बनता है उसकी सरकार नहीं बनती है, यही कहते थे ना, ऐसे ही था कोई मिथक, लेकिन सारे मिथक टूट गए, सारे मिथक टूट गए, यहाँ का विधायक भी बन गया, सरकार भी बन गई और उत्तराखंड का मिथक भी टूट गया कि उत्तराखंड में भी कहते थे कि कोई चुनाव होगा, एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव आएगा तो सरकार बदल जाएगी, फिर अगला चुनाव आएगा, जिस पार्टी की सरकार होती थी वो सरकार बदल जाती थी। इस बार उत्तराखंड की जनता ने एक इतिहास बनाने का काम किया, एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया और उत्तराखंड में किसी राजनीतिक दल को जो पहले कभी जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, इस बार हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमको वो आशीर्वाद आप सब लोगों ने दिया। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि इस क्षेत्र से जो लोकसभा की उम्मीदवार है माला लक्ष्मी शाह जी लगातार भ्रमण पर हैं, लगातार आ रही है, जा रही है, उन्हीं के लिए आज आप सबसे उनके लिए समर्थन मांगने के लिए, उनके मत के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपके मत और आपके समर्थन के लिए आप सबके बीच में आया हूं। ये हम सभी का कर्तव्य है कि विकसित और अग्रणी उत्तराखंड के सपने को साकार करने के लिए, जैसा भाई दुर्गेश्वर ने कहा कि यहाँ के जितने बूथ हैं हर बूथ से भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा समर्थन देना है, वही आग्रह करने के लिए मैं भी आपके बीच में आया हूं। हम सब ने पिछले 10 वर्षों का जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कालखंड है वो कालखंड देखा है, किस प्रकार देश तेजी से आगे बढ़ा है, किस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम बढ़ा है, वैश्विक पहचान बढ़ी है, हर भारतवासी का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है, किस प्रकार से विकास की गंगा तेजी से बही है, किस प्रकार से विकास की रेल पटरियों पर तेजी से सरपट सरपट दौड़ी है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर डेवलपमेंट और इनोवेशन के क्षेत्र में तेजी से एक लहर चल पड़ी है। विभिन्न देश जो 2014 से पहले हमको बहुत ही हीन भावना से देखते थे, उनको ऐसा लगता था कि भारत कुछ है ही नहीं, हमारी पहचान विश्व के मानचित्र में, विश्व के देशों में ऐसी बन गई थी कि दब्बू भारत, पिछलग्गू भारत, और जो अपने हित की बात भी विश्व के मंचों पर कर नहीं पाता था, ऐसे भारत के रूप में हमारी पहचान बन गई थी। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद
हम देखते हैं कि पूरे विश्व का जो परिदृश्य है वो तेजी से बदला है। जो लोग हमको हीन भावना से देखते थे अब वो हमारी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और दोस्ती करने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं। बड़े बड़े देश, हर देश का एक ही विदेश नीति हो गई है किस प्रकार से भारत के साथ अपने संबंध अच्छे रखे जाए, कैसे भारत के साथ दोस्ती आगे बढ़ाई जाए। ये बदलाव हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कुशल नेतृत्व और उनकी सफल कूटनीति है उसकी वजह से आया है। किस प्रकार से उन्होंने दुनिया को हमारी ओर ध्यान देने के लिए, आकर्षण करने के लिए पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास की भी अभूतपूर्व गाथा लिखी है। इस चहुंमुखी विकास यात्रा में आप सभी का योगदान है, क्योंकि 2014 में आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया, बहुत सारे काम आगे बढ़े, बहुत सारे कठिन फैसले हुए, 2019 में फिर से आपने उनको प्रधानमंत्री बनाया, देश तेजी से आगे बढ़ा, दुनिया में हमारा मान सम्मान नाम तेजी से आगे बढ़ा, हर क्षेत्र में हमारी प्रगति हुई। अब तीसरी बार जब वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भाइयों बहनों भारत और तेजी से आगे बढ़ेगा। उनके तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, दुनिया में तेजी से विकास करने वाला भारत बन जाएगा, आत्मनिर्भर भारत तेजी से बनने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। यह आपके एक वोट की ताकत है कि आज हमारे उत्तराखंड सहित संपूर्ण भारत में विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। विभिन्न योजनाओं के जरिए मोदी जी ने आज छोटे पैदा होने वाले नवजात बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को सभी को अपने परिवार का सदस्य मानकर काम किया है। उनके जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं हों उसके लिए हर संभव उन्होंने प्रयास किया है। इसलिए आज पूरा देश मोदी जी को भी अपना परिवार मानने लगा है। आपने देखा होगा हर एक व्यक्ति मोदी जी को अपने परिवार का सदस्य मानता है। चाहे आज हम देखें बहुत सारी योजनाएं उन्होंने चलाई, जनधन योजना चलाई, उज्ज्वला योजना चलाई, किसान समृद्धि योजना चलाई, पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 4 करोड़ से भी ज्यादा आज देश के लोगों को मकान मिल चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना, हमारे उत्तराखंड में 55 लाख लोगों के आज आयुष्मान योजना के कार्ड बन चुके हैं। हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक की 1 साल में इलाज की गारंटी सुनिश्चित की है। गरीब कल्याण अन्न योजना, जब देश के अंदर महामारी आ गई उस महामारी के समय में किसी के घर का चूल्हा न बुझे, किसी को भूखे पेट न सोना पड़े, हर एक को राशन देने की व्यवस्था भारत सरकार में मोदी जी ने सुनिश्चित की। उसका वो योजना 2020 से शुरू हुई और प्रधानमंत्री जी ने उसको अगले 5 सालों के लिए और बढ़ा दिया है। अब 2028 तक गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिलता रहेगा, अन्न मिलता रहेगा। भाइयों बहनों, मोदी जी की दूरदर्शी सोच के साथ ही मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं देश के अंदर लाई गई हैं, लॉन्च की गई हैं। इन योजनाओं का नतीजा है कि भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक G20 का सम्मेलन भारत के अंदर आयोजित हुआ। पहले इस प्रकार के सम्मेलन जब आयोजित होते थे तो वो कहां होते थे? दिल्ली में हो जाते थे, बंबई में हो जाते थे, बंगलौर में हो जाते थे, बड़े बड़े शहरों में हो जाते थे। भाइयों बहनों, अब देश के कोने कोने में G20 के सम्मेलन आयोजित हुए। पूरी दुनिया के देशों के जो प्रतिनिधि आए उन्होंने पूरे भारत को देखा, भारत के सामर्थ्य को देखा, भारत की संस्कृति को देखा। और मैं जब अभी इंग्लैंड गया था तो इंग्लैंड में वहां के अलग अलग मंत्रियों से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा कि हमने भारत में एक चीज बहुत तेजी से बदलती हुई देखी है कि भारत अब तेजी से विकास कर रहा है। विकसित देशों और भारत के बीच में जो एक बहुत बड़ी खाई बन गई थी, एक दूरियां बन गई थी, वो अब नजदीकियां बन गई है। तेजी से भारत उस दौड़ में आगे के देशों में शामिल हो गया है। मोदी जी ने अनेकों ऐसे काम किए हैं भाइयों बहनों, विकास के साथ ही देश के हित में भी कई कड़े कानून बनाए हैं और जो अनावश्यक कानून थे उन कानूनों को समाप्त करने का भी काम किया है। आपने देखा देश के अंदर धारा 370 जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कलंक था, बहुत बड़ा बोझ था, उस धारा 370 को कश्मीर से हटाने का काम किया, 3 तलाक का खात्मा किया, CAA नागरिक संशोधन अधिनियम लागू किया। और भाइयों बहनों, कुछ दिनों पहले ही हमने होली पर्व मनाया, हमने होली मनाई है, अभी 2-3 दिन 4 दिन हो रहे हैं। और एक होली का गीत है, होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। तो जब हम ये गीत गाते हैं तो हमारे मन में रघुवीर जी का नाम आना स्वाभाविक है।
और ये बात जरूर याद आती है कि उस समय भगवान रघुवीर जो हमारे हर एक सांस में चलते हैं, अगर हमको कोई कष्ट होता है, कोई परेशानी आती है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? हे राम, श्री राम। तो आपको पता है कुछ सालों तक पहले तक भगवान राम कहाँ रहते थे? अयोध्या में भगवान राम टेंट में रहते थे। भगवान राम को टेंट से आज महल के अंदर लाने का काम, एक भव्य और दिव्य मंदिर के अंदर लाने का काम राम भक्त और राष्ट्र भक्त नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुनिश्चित हो गया भाइयों बहनों। और सैकड़ों वर्षों के इंतजार हमारे समाप्त हो गए। आदरणीय मोदी जी की इच्छा शक्ति थी, उनसे प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड में भी हमने बहुत सारे जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उन महत्वपूर्ण कार्यों को आगे बढ़ाया है। पिछली बार हमने चुनाव में आपसे वायदा किया था, हमने संकल्प लिया था कि नई सरकार गठन होगी तो हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। सबके लिए समान होगा, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी जाति का होगा, किसी धर्म का होगा, किसी पंथ को मानने वाला होगा, अगर उत्तराखंड के अंदर रहने वाला होगा तो उसके लिए एक समान कानून होगा, अलग अलग कानून नहीं होगा। भाइयों बहनों, हमको ये गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य बन गया जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हो गया। और सच मानिए, आप सब कहते हैं मैंने लागू किया, ये मंच में बैठे हुए लोगों ने लागू किया, मैं कहता हूं ये कानून आप लोगों ने लागू किया, क्योंकि आप लोगों ने पिछली बार हमको समर्थन दिया, अपना मत दिया, अपना आशीर्वाद दिया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम ये काम करेंगे। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि हमारी विधानसभा को ये गौरव प्राप्त हो गया, उसने ये विधेयक बना दिया, राष्ट्रपति महोदया ने भी उसमें हमको स्वीकृति प्रदान कर दी है, जल्दी ही वो एक्ट के रूप में काम करना शुरू हो जाएगा। नकल विरोधी कानून, आपने देखा होगा नकल का किस प्रकार से अपराध होता था। जरा सोचिए, गरीब माता पिता के ऊपर क्या बीतती थी जब उनका बेटा पढ़ने में भी अच्छा होता था, बेटी पढ़ने में भी अच्छी होती थी, उसके लिए देहरादून में किराए का कमरा लिया जाता था, उसके लिए घर की सब्जी बेचकर, घर का राशन बेचकर, छोटी दुकान चलाकर या कोई और धंधा करके उसकी फीस जमा करवाई जाती थी, उसका किराया दिया जाता था, उसके बाद उसका नंबर नहीं आता था जो हर प्रकार से उसके चयन के योग्य होता था। नंबर किसका आता था? बड़े बड़े नकल माफियाओं के कारण, जो नकल कर लेता था, जिसके पास अकल हो या ना हो उसको नकल मिल जाया करती थी भाइयों बहनों। और उस मेहनत करने वाले माता पिता के मेहनत पर चोरी और डाका और एक तरह से धोखा किया जाता था। भाइयों बहनों, हमने इसके जड़ से समाप्त करने का काम किया। अभी भाई दुर्गेश्वर ने इसलिए बताया है कि मेरे साथ बहुत सारे कार्यक्रमों में यह भी उन कार्यक्रमों में सम्मिलित रहे जिसमें हमने पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर और बिना नकल के चयन होने वाले जो हमारे चयनित अभ्यर्थी थे, उन अभ्यर्थियों को हर एक दिन उनको नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समारोह आयोजित किए भाइयों बहनों। और पिछले दो सालों में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, अगर 22 सालों से उनकी तुलना करें तो 22 सालों के बराबर नियुक्तियां पिछले दो सालों में हुई हैं, और सारी नियुक्तियां नकल विहीन हुई है, पारदर्शिता के साथ हुई है। अब हमारे उन माता पिताओं का सपना पूरा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे मुझे भाई बहन मिले, बहुत सारे ऐसे माता पिता मिले जिनके बेटे और बेटियां कई सालों से इन परीक्षाओं में भाग ले रहे थे, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा था, वो चयन नहीं हो रहा था, योग्यता होने के बाद भी चयन नहीं होता था, चयन दूसरों का हो जाता था। भाइयों बहनों, इस कानून के लागू होने के बाद अब उनका चयन भी हो रहा है, और एक परीक्षा के साथ साथ चार चार परीक्षाओं में उनका चयन हो जा रहा है। भाइयों बहनों, इस नकल का ये हमारे रिजल्ट आया है। धर्मांतरण विरोधी कानून हमने लागू किया। उत्तराखंड देवभूमि है, देवभूमि में धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। यहाँ की जो हमारी एक आस्था है, एक इसका मूल स्वरूप है, ये मूल स्वरूप समाप्त नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग भी कहीं जाते होंगे तो लोग अगर आपसे पूछते होंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हो, आप अगर कहोगे हम देवभूमि उत्तराखंड से आए हैं, तो आपको देखने का भाव बदल जाता है, उनकी दृष्टि बदल जाती है कि अरे भाई, तो देवभूमि से आए हैं। देवभूमि माने देवों की भूमि, जहां देवता निवास करते हैं, भगवान के सबसे नजदीक का स्थान देवभूमि उत्तराखंड। तो भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है वो किसी भी कीमत पर हम
खराब नहीं होने देंगे। यहाँ पर जो अतिक्रमण है, धार्मिक स्थल बना दिए, कहीं पर कुछ लगा दिया, कहीं पर चादर लगा दी, कहीं कुछ लगा दिया, हमने कहा है किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। हमने जहाँ धर्मांतरण का कानून लागू किया, वहीं हमने सख्ती से अतिक्रमण हटाने का भी काम किया है और कई हजारों एकड़ जमीन आज उत्तराखंड के अंदर अतिक्रमण से मुक्त करवाई है। गंगा रोधी कानून पिछले दिनों आपने देखा होगा, उत्तराखंड के हमारे हल्द्वानी में वन भूलपुरा क्षेत्र में एक बड़ा दंगा करने की साजिश हुई, कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम हुआ, उपद्रव और आगजनी फैलाने का काम हुआ। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के बारे में पूरी दुनिया में एक बात तो चलन में है कि उत्तराखंड में लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, आपस में सबका मेल मिलाप है, आपस में स्नेह है। लेकिन इनके कारण से उत्तराखंड की जो छवि देश दुनिया में खराब होने की आशंका, जिन्होंने इसका कुत्सित प्रयास किया, हमने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की कभी पुनरावृत्ति न हो, कोई भी उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना करना तो दूर, इस प्रकार की घटनाओं के बारे में सोचे भी नहीं। इसलिए एक एक को जेल की सलाखों के पीछे भेजा और साथ ही दंगा निरोधी कानून लागू कर दिया। अब अगर कोई भी दंगा करेगा, उपद्रव करेगा, वो सरकारी संपत्ति हो, निजी संपत्ति हो, उसको नुकसान पहुंचाएगा, उसकी एक एक पाई की भरपाई उसी दंगाई से की जाएगी जो दंगा करेगा। भाइयों, उत्तराखंड के अंदर महिलाओं को 30% का क्षैतिज आरक्षण हमने प्रदान कर दिया है, राज्य आंदोलनकारियों का 10% का क्षैतिज आरक्षण यह भी बना दिया। पिछले दिनों आपने देहरादून में देखा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारी, जिसमें 3,54,000 करोड़ रुपए के MOU हमारे साइन हुए थे, उनके साथ निवेशकों के साथ करार हुआ था, उसमें से 81,000 करोड़ के जो MOU हैं वो ग्राउंडिंग पर उतर गए हैं, अब उन पर काम होना शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में ये तेजी से और बढ़ने वाला है, जैसे ये तेजी से बढ़ेगा, हमारे नौजवान भाई बहनों को अपने रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता है, अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है, अब उनको हमारे प्रदेश के अंदर ही रोजगार मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में विकास की गंगा बहाने के कार्य कर रही है आपकी सरकार, जिसको आपने बनाया है। हमारी सरकार हर वर्ग के उत्थान को ध्यान में रखते हुए अनेक निर्णय ले रही है, अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। 207 प्रकार की जो पैथोलॉजिकल जांचें हैं वो हमने मुक्त करने का निर्णय लिया है। महालक्ष्मी किट योजना चलाई है, लखपति दीदी योजना चलाई है, उत्तराखंड आयुष्मान योजना चल रही है, वृद्धा पेंशन योजना। इस योजना में पहले परिवार में अगर दो बुजुर्ग दंपत्ति होते थे तो वो दो बुजुर्ग दंपतियों में से एक को ही पेंशन मिलती थी। भाइयों बहनों, हमने सुनिश्चित किया परिवार के अंदर अगर दो बुजुर्ग दंपति, माता दो बुजुर्ग हैं, तो उनमें आपस में कोई हम झगड़ा नहीं होने देंगे, उनकी पेंशन एक ही आती थी। तो वो पेंशन को लेकर ये बात होती थी कि भाई पेंशन का पैसा कौन लेगा, क्योंकि एक को मिलेगी तो दूसरे को नहीं मिलेगी। हमने तय किया कि हमारे बुजुर्गों को, दो बुजुर्ग होंगे तो दोनों को घर में पेंशन मिलेगी, मिल रही है ना। तो भाइयों बहनों, ये काम हमने किया है। गैस रिफिल योजना हमने अपनी बहनों से, उत्तराखंड की गरीब परिवार की बहनों से एक वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठन होते ही हम 3 सिलेंडर साल में निशुल्क बिना किसी पैसे के भर कर देंगे। ये योजना हमने लागू कर दी है। भाइयों बहनों, आज 1,82,000 परिवारों को उत्तराखंड के अंदर निशुल्क गैस रिफिल योजना का लाभ मिल रहा है। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर हम हर प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। हम अपने विकल्प रही संकल्प के मूल मंत्र पर चलते हुए गांव से लेकर शहर तक की विकास की नई गाथा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज सड़क, पुल, स्कूल, अस्पताल, जल और विद्युत परियोजना का बृहद स्तर पर निर्माण हो रहा है। यहीं पर लखवाड़ जो योजना है कई सालों से लंबित पड़ी हुई थी, आप लोग तो जानते होंगे केदार जी भाई साहब, कई सालों से लखवाड़ नहीं बन पा रहा था। हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया, भाइयों बहनों, लखवाड़ योजना को हमको स्वीकृति मिल गई। देहरादून में इसी प्रकार से सोंग बांध योजना है, सोंग बांध योजना को स्वीकृति मिल गई। हल्द्वानी में जमरानी बांध 4 दशक से भी ज्यादा समय से उसको स्वीकृति नहीं मिल रही थी, आज उसको भी स्वीकृति मिल रही है। यानी कि इस नए दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, हमको उन योजनाओं की स्वीकृति और उसके लिए हमको यहाँ धनराशि मिल रही है जिन योजनाओं की स्वीकृति कई दशकों से लटकी हुई थी। भाइयों बहनों, अभी दुर्गेश्वर जी ने बहुत सारे काम यहाँ से बताए हैं। हम इसके साथ ही उत्तराखंड के जो धार्मिक स्थल है उनका पुनर्विकास कर रहे हैं। इससे धार्मिक जो हमारी पर्यटन है उसको भी
एक नई उड़ान देने का काम हो रहा है। हमारी सरकार विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता के साथ ही स्वरोजगार को बढ़ाने का काम कर रही है। अभी हमारे मातृशक्ति के उत्सव हुए थे, आपके उत्तरकाशी जनपद में भी हुआ, हर एक जनपद में हुआ। उसमें हमारी मातृशक्ति ने जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने स्थानीय उत्पाद बनाती हैं, उनके स्थानीय उत्पादों को बेचने के लिए, उसके विपणन के लिए एक केंद्र मिले, हमने उसके लिए हाउस ऑफ हिमालया का जो ब्रांड है वो लॉन्च कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमने उसका उद्घाटन कर दिया है। अब हमारी बहनें जो भी उत्पाद बनाएंगी, जो भी अपना जिस क्षेत्र में ही बनाएंगी, उनके लिए आज देश दुनिया से लगातार डिमांड आएगी कि हमको ये भेजिए। लगातार डिमांड आनी हमारी शुरू हो गई है। पिछली वर्ष दीपावली से हमने सशक्त उत्सव बहना योजना भी शुरू करी है। इस योजना के माध्यम से भी हर एक स्थान पर, जनपदों में आज हमारी बहनों के उत्पादों को बेचने के लिए स्थान मिल रहा है। अगर हम बात करें पुरोला क्षेत्र की, तो यहाँ भी अभूतपूर्व रूप से विकास हुआ है। पिछले दिनों उत्तरकाशी जिले में हमने 291 करोड़ रुपए से भी अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जनपद के लिए किया था, जिसमें बहुत सारी योजनाएं हमारे पुरोला विधानसभा क्षेत्र की भी थी। इसके पहले जून 2023 में भी मैंने आपके तीनों विधानसभाओं के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। बड़े पैमानों पर विकास कार्यों से पूरे जिले में सड़क, स्कूल, पेयजल सहित विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हाल ही में मैंने आप सभी की मांग को, जब मैं वहां पिछले दिनों बड़कोट में आया था, तो आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए घोषणा की थी कि पुरोला को हम नगर पालिका का दर्जा देंगे। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि वो नगर पालिका का दर्जा मिल गया है, उसको मंजूरी मिल गई है, उसका शासनादेश भी जारी हो गया है। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए एक लक्ष्य लेकर काम कर रही है कि हमारा एक लक्ष्य है कि उत्तराखंड आने वाले समय में हिंदुस्तान के जो श्रेष्ठ राज्य है, जो अग्रणी राज्य है, उन राज्यों में हमारे राज्य का नाम शामिल हो। मुझे खुशी है कि तेजी से आज उत्तराखंड का देश दुनिया के अंदर नाम बढ़ रहा है। तेजी से आज उत्तराखंड की लोग, उत्तराखंड के लिए लोग आकर्षित हो रहे हैं। पिछले दिनों इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी लगभग 50 से भी ज्यादा देशों के लोगों ने उत्तराखंड में अपना